हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कमलेश तिवारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी। किरण तिवारी को मिला उर्दू में लिखा हुआ धमकी भरा खत। महाराष्ट्र के गणेश नागोराव आप्टे ने भेजा किरण को खत। किरण तिवारी ने लिखा FIR, यूपी सरकार से मांगी Z+ सुरक्षा। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की मृत्यु को अभी एक महीना ही बीता है कि अब उनकी पत्नी किरण तिवारी को भी जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। किरण तिवारी का आरोप है कि बीते हफ्ते उन्हें धमकी भरा पत्र मिला जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। पत्र देने वाला महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला गणेश नागोराव आप्टे है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। किरण तिवारी के नाम से 14 नवंबर को दोपहर खुर्शेबाग स्थित घर के पते पर एक बंद लिफाफा आया था। इसे खोलने पर एक पत्र निकला। पत्र में उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ था। किरण का कहना है कि उन्होंने उर्दू में लिखी हुई बातों का हिंदी में अनुवाद कराया तो उसमें धमकी देने की बात प्रकाश में आई। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी का कत्ल कर दिया गया था। किरण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि जिस तरह कमलेश तिवारी को मिलने वाली धमकियों को यूपी सरकार ने नजरअंदाज किया, ऐसे ही वो मुझे मिलने वाली धमकियों के साथ कर रहे हैं। सोलह तारीख को लेटर आया था शाम 4 बजे। 18 तारीख को मैंने FIR दर्ज करवाई, लेकिन उसकी कार्रवाई अभी तक जानकारी नहीं हुई क्या किया है प्रशासन ने। पूरी मारने की धमकी दे रहे थे कि किरण तिवारी आपको इस तरीके से मारेंगे कि जहां कमलेश तिवारी को भेजा है मैंने वहीं आपको भी भेज देंगे। सारी भूमिका उन्हीं लोगों की है जिसने लेटर भेजा है, क्योंकि गैंग उनका आतंकवादियों का गैंग बना हुआ है, जो उन्हीं लोगों ने जो ये लेटर भेजा है हम लोगों को। Z+ सुरक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। सबको जानकारी है, सबको जानकारी, ऊपर तक सबको, मुख्यमंत्री तक जानकारी इसके विषय में है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।